नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं अपनी लाइफ की पहली कविता आपको मैंने जो लिखी है वो सुनाऊंगा। ना तो मैं कवि हूँ, ना ही मैं राइटर हूँ, ना ही मैं लेखक हूँ, मैं एकमात्र शिक्षक हूँ। मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुए, मैंने उन विचारों को अपनी कलम के माध्यम से पेज पर अंकित किया है और उन्हीं भावों को आपके सामने रखूंगा। यदि आपको यह भाव अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मेरे जीवन की या मेरी लाइफ की पहली कविता आपको कैसी लगी। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मैं एक स्पेशल कवि नहीं हूँ, मैं कविता लिखने का मैंने मात्र प्रयास किया है। साथ ही इतना कहूँगा कि जो मेरी कविता है वह है जो मैंने लिखी है उसका टाइटल बहुत अच्छा है। इतनी उम्मीद रख सकता हूँ कि आपको यह टाइटल बहुत ही अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में मेरी पहली कविता के बारे में सलाह दें कि आपको कैसी लगी है। आपको मैंने जो कविता लिखी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। मेरी कविता का जो टाइटल है वह माता है। हाँ, माता है जो अपना सर्वस्व आप पर निछावर कर देती है। वह मात्र माता ही है जो आपको आपके लिए खुद रात भर गीले में सोती है, आपको सूखे में सुलाती है। तो उस माता पर मैं अपने अपनी वाणी से कुछ शब्द कहना चाहता हूं। वैसे तो उस माता शब्द में या माता के बारे में मेरी न तो वाणी में इतनी क्षमता है और न किसी की कवि की वाणी में क्षमता है कि कुछ व्यक्त कर सके। फिर भी अपने कुछ चंद शब्द माता के बारे में मैं कहूंगा। मेरे जीवन की आस है माता, निस्वार्थ प्रेम का पर्याय है माता। भगवान हर जगह नहीं जा पाता, उसका साकार स्वरूप है माता, उसका साकार स्वरूप है माता।